हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो डेरिवेशन किए ना, और वो डेरिवेशन कौन सा था? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन कोई भी पॉइंट पे, कहाँ पर? एक स्ट्रेट वायर की वजह से। फिर हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड कोई भी एक पॉइंट पे ड्यू टू अ वायर इन द फॉर्म ऑफ आर्क करके देखा था। अभी सेम चीज़ है, पेज नंबर 243 पे 10.10 के बाद जो मेरा डायग्राम है, जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, और ये जो पूरा कॉन्टेंट है टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, ओके। और उसमें हेडिंग दिया एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर रूप। इसका मतलब ऐसा होता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ताकत मुझे निकालना है एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट किधर पे? एक्सिस पे। समझ में आ रहा है? और किसके से निकालना है? ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल। अभी ये जो चीज़ है ना, ये डेरिवेशन, थोड़ा सा डायग्राम इसमें पर समझना ज़रूरी है। डायग्राम समझ गया, आगे एकदम मैथमेटिकल पार्ट है और कुछ भी नहीं, दो मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। बट डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, उसमें अंदर ज्योमेट्री कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है। तो उसके ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले ना, तुमको मैं थोड़ा सा एक थोड़ा ज्योमेट्री के एक तरह ज्योमेट्री का कुछ नहीं, वो ज़रा देख लेते हैं। समझो कि अगर एक ऐसा कुछ है, ऐसा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर ये इंक्लाइन सरफेस है, ऐसा, बरोबर है। और इसके ऊपर मैंने समझो एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, बरोबर है, अंडरस्टूड। अब ये ब्लॉक जैसे रखूंगा, ब्लॉक क्या होगा? खुद के वेट से स्लाइड होना चालू हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ब्लॉक क्या हो जाएगा? खुद के वेट से स्लाइड होना चालू हो जाएगा। और ब्लॉक क्या करेगा? ये सरफेस को घसते हुए ऐसा जाएगा, मतलब सरफेस के ऊपर फोर्स लगा के वैसा जाएगा नीचे की तरफ। और इसका मतलब ये ब्लॉक, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है जो कि कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, उसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा? जितना ये ब्लॉक का वेट है, और वेट हमेशा कैसा होता है? एम जी होता है। ये क्लियर है? अब यूजुअली हम लोग जो एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं, बरोबर है, अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करूँगा तो एक्स और वाई एक्सिस हम लोग ऐसा लेते हैं, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस का बनाने का रूल क्या है कि एक्स एंड वाई एक्सिस बनाने का रूल ये है कि दोनों जो लाइन्स होनी चाहिए ना, दोनों लाइन्स कैसी होनी चाहिए? आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये दोनों लाइन जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओरिएंटेशन कैसा भी चले, ओरिएंटेशन है ना, देखो ओरिएंटेशन ऐसा, तुम इसको ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा? तो मैंने क्या किया, मेरा नेक्स्ट एंगल एक्सिस को ऐसा ट्रीट कर दिया। समझ में आ रहा? मतलब ये जो इंक्लाइन सर्फेस है ना, उसको मैंने क्या समझ लिया, मेरा एक्स एक्सिस समझ लिया। समझो ये जो पॉइंट है ना, इसको समझ लो मैं ओरिजिन समझता हूँ, और मेरा एक्स एंगल एक्सिस कैसा होना चाहिए था, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बट मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसा समझ लिया, इधर का एक्स एक्सिस है, बराबर है, और ये मेरा वाई एक्सिस है, इसको परपेंडिकुलर। देखो पहले थोड़ा बहुत समझ लो, उसके बाद डेरिवेशन एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन से सब रिलेटेड चीज़ें, वरना डेरिवेशन के टाइम कन्फ्यूज़ होगा तो फिर तभी तुम लोग पूछोगे सर ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, और फिर कैसा, वो डेरिवेशन से फोकस हट जाएगा और वो अननेसेसरी चीज़ों में फंस जाएगा। तो पहले थोड़ा उस देख लो। तो यहाँ पर इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और इसको मैंने वाई एक्सिस मान लिया। तो देखो मैंने मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस को ट्रीट कर दिया। एक्स एंड वाई एक्सिस अपना ऐसा होता है ना, देखो ऐसा, ठीक है, देख बताता हूँ एक मिनट फिर से। एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसा ऐसा होता है, बरोबर, बट मैंने क्या इसको ट्रीट कर दिया ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा एक्स हो गया, उसको परपेंडिकुलर मेरा वाई हो गया। अच्छा मुझे बताओ एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? तो देखो ये एंगल 90 डिग्री होता है। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो मुझे बताओ ये एंगल 90 है, तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये क्लियर है। और मुझे बताओ ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? तो पूरा 90 है ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, 90 में से ये 90 माइनस थीटा चलेगा, तो इतना बचाना, और ये एंगल कितना बच गया? थीटा, ये क्लियर है। और अगर इसको मैं अगर ऐसा एक्सटेंड कर देता हूँ, अभी मैं बनाता हूँ ये, ठीक है, ऐसा, ठीक है, और ऐसा, तो मुझे बताओ ये अगर थीटा है ये वाला, तो दिख रहा है ये देखो, तो ये एंगल भी कितना हुआ? थीटा हुआ, वर्टिकल के ऑपोजिट हुआ ना, ये देखो, ये दिख रहा है, ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये एंगल अगर थीटा है, बरबर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना हुआ? थीटा हुआ, ये क्लियर है, बरबर। और ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल थीटा होगा, और ये पूरा कितना? पूरा 90 डिग्री है ना,
पूरा कितना है 90, तो 90 में से थीटा चले गया बराबर, तो ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखो यहाँ पर मैं बताने को क्या ट्राई कर रहा हूँ, बताने को ये ट्राई कर रहा हूँ कि जब भी ऐसा कुछ तुमको डायग्राम आएगा देखो ऐसा कुछ, ठीक है, अभी डायग्राम जैसा आने वाला ही ऐसा, तो देखो अगर ऐसा डायग्राम होगा तो क्या करोगे, समझो अगर ये एंगल अगर थीटा है, देख रहा कहाँ पर ये एंगल थीटा, तो देखो ये 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा उसको मैंने थीटा लिखा, तो देखो ये 90 माइनस थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, देखो ना, देखो तो ये कितना रहेगा, समझ में आया? देखो ना ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ ना, और देखो ये थीटा है तो देखो ये थीटा हुआ, मतलब बोलने का मतलब है कि ये जो एंगल होता है ना ये वाला, देखो ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, ये वाला एंगल के बराबर होता है, तो देखो ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल के बराबर हुआ, क्लियर है? और ये वाला जो एंगल होता है ये वाला, देखो ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, ये वाला एंगल, ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल के बराबर, क्लियर है? ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ज्योमेट्री से कैसे आएगा मैंने प्रूफ कर दिया, और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल, इसको भूलना मत, क्लियर है? ओके, ये चीज़ सब जो यूज होने वाला है। दूसरा चीज़ अभी डेरिवेशन थोड़ा सा टीडीएस है बट ठीक है हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने फिर से मैं बोला था साइड में थोड़ा सा बना देता हूँ ऐसा कुछ डायग्राम का कि याद है, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, और अगर ये ऐसा कुछ होगा ऐसा, यहाँ पर ये 90, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, समझ में आया? और ये एंगल अगर थीटा है, ये जो भी एंगल होगा, बोलने का मतलब ये जो भी एंगल होगा वो ये वाला एंगल के बराबर, अगर ये थीटा डैश होगा तो ये थीटा डैश होगा, क्लियर है? क्लियर हो गया सर? तो आगे देखते हैं, ये एक चीज नोट कर, अभी तो मैंने डेरिवेशन चालू नहीं किया, अब मैं डेरिवेशन चालू कर रहा हूँ। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट, कहाँ पर निकाला है, करंट कैरिंग कॉइल के जैसे निकाल रहा है, मतलब देखो ये कॉइल ऐसा है बराबर। अब एक्सिस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, अगर देखो ये कॉइल को अगर मैं सामने से देखूँ तो सर्कल दिखेगा, बट अगर साइड से देखूँ, साइड से अगर देखूंगा तो साइड से मुझे कुछ ऐसी लाइन दिखेगा, समझ में आता है कि नहीं? साइड से अगर यहाँ से देखूँ मैं तो ये सिर्फ मुझे क्या दिखेगा, तो देखो अगर मैं साइड से देखूँ ये सामने से तो मुझे सर्कल दिखेगा, बट अगर मैं इसको साइड से देखूँ तो देखो ऐसा, ठीक है, देखो ठीक है, सामने से देखो तुमको सर्कल दिखेगा ऐसा बराबर, क्यों? लेकिन अगर तुम इसको साइड से देखो, यहाँ से देखो, देखो व्यू देखो ठीक है, तो देखो लाइन दिखेगा ना, तो समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, समझने के लिए ऐसा तो मुझे मालूम है कि लाइन दिखेगा, मैं समझने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसा बताता हूँ ऐसा, ताकि वो ओवल शेप जैसा दिखे, तो ये देखो ये जो शेप है यहाँ पर, ये क्या बन गया, ये इसका मतलब और इसका मतलब बराबर, ओके। दूसरा चीज़ सामने से देखोगे तो ये सेंटर दिखेगा, बट अगर साइड से देखूँ तो ऐसा दिखेगा, अगर मैं एक लाइन पास करूँगा सेंटर से, ठीक है, ये सेंटर से लाइन पास हो गया ना, तो सेंटर से जो लाइन पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी लाइन जब भी एक्सिस से पास होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी लाइन अगर एक्सिस से पास होती है तो हमें, कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस, बराबर, ठीक है। अब एक्सियल, अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर देखो इसके अंदर करंट है ना, कॉइल कैसा है, करंट कैरिंग कॉइल, तो देखो ऐसा करंट ऐसा हम लोग यूजली कैसा कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो इसको मैंने, इसको अगर मैं साइड से देखूँ, अगर इसको मैं साइड से देखूँ यहाँ से ऐसा, तो देखो करंट कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बराबर है? मुझे क्या करना है, एक्सिस के ऊपर, एक्सिस या एक्सिड यहाँ पर होगा तो सेंटर में आ गया पॉइंट, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर समझो पॉइंट पी करके, बराबर है, ये कौन सा है, ये साइड व्यू, साइड व्यू, ये कौन सा है, ये फ्रंट व्यू,
देखो अगर मैं एक लाइन ऐसे पास कर दूँगा तो दिख रहा है इधर ऐसे, समझ में आ रहा है? तो पॉइंट पी किधर है? तो समझो पॉइंट पी इधर है, इधर 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 पॉइंट पी है। तो इसकी वजह से ये कॉइल की वजह से ये अपने आसपास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये पॉइंट पी के ऊपर ये सर्कुलर कॉइल की वजह से जो कि एक्सिस पे है, इधर है इधर 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 कहीं पर भी हो सकता है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो मुझे निकालना है। क्लियरली समझा? अगर इसको अगर मैं साइड से देखूँ तो देखो ये मेरा सर्कल है, ऐसा है ना, सर्कल करंट ऐसे जा रहा है और ये वो ठीक है लाइन है एक्सिस समझ। अगर इसको मैं साइड से देखा तो देखो ऐसा लिखेगा ना, ठीक है करंट ऐसा जा रहा है, बरूबर है करंट ऐसा, और देखो एक पॉइंट पे इधर इधर कहीं पर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब मैं डायग्राम बनाता हूँ और हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा जा सकता है समझने के लिए, ओके? तो आगे तो कॉइल मैंने ऐसा नहीं रखा, कॉइल मैंने ऐसा रखा हुआ है ऐसा, उसका ये जो बोर्ड का जो प्लेन है और कॉइल का जो प्लेन है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर ऐसा रखा है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा अभी एक लाइन पास करूँगा, लेकिन अभी कॉइल ऐसा ऐसा बनाऊंगा तो वो लाइन दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ। मैंने दिखाने के लिए ऐसा दिखाया बट मैंने कॉइल रखा ऐसे है, ये भूलना मत, ओके? तो लेट से मैं ऐसा बना देता हूँ कॉइल। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला है जिसको समझने के लिए मैंने कुछ तो बना के रखा हुआ है, टाइम नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा जुगाड़ कर दिया, हंसना मत उसको देख के। देखो टेक्स्ट बुक में डायग्राम है ना कुछ अलग दिया है, मैं टेक्स्ट बुक का डायग्राम की बात करूंगा। डायग्राम टेक्स्ट बुक का बनाना ऐसा जरूरी नहीं है, डायग्राम का मतलब होता है सारी चीज़ें क्लियरली दिखनी चाहिए, डायग्राम समझ में आना चाहिए, ओके? तो कॉइल ऐसा नहीं रखा मैंने, कॉइल रखा ऐसा है बट मैंने दिखाया ऐसा है, क्लियर है? अगर मैं एक लाइन पास करता हूँ सेंटर से, ये सेंटर है ना, तो अगर मैं एक लाइन पास करता हूँ सेंटर से तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बराबर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज नोन एज वॉस एक्सिस। यहाँ पर आने का तो व्हाट इज एक्सिस, अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, ओके? लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो सब लोग ये सेंटर जो है वो ओ है, ठीक है ना? मतलब मेरे सामने देखो ऐसा, देखो कॉइल ऐसा है सामने ऐसा, और ये एक्सिस ऐसा, समझ में आ रहा? कॉइल ऐसा ऐसा और करंट है ना, देखो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देख रहा हूँ तो करंट कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉक वैसे, देखो ऐसा ऐसा इधर, मतलब करंट ऐसा जा रहा है, करंट एंटी क्लॉक वाइज। बट अगर यहाँ पर साथ साथ में देखते हैं, देखो कॉइल ऐसा है तो करंट भी उसके अंदर कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, ये ऐसा है और ये बीच में से ऐसा एक्सिस पास हुआ, समझ में आ रहा? तो ये कॉइल है और यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है और ये पॉइंट इधर पे किधर है, ठीक है? तो एक पॉइंट मैं अज्यूम कर लेता हूँ पी करके, ओके? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सियल पॉइंट पी बोलते हैं। व्हाट इज एक्सियल पॉइंट, अ पॉइंट लाइन ऑन द एक्सिस, उसको हम लोग एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं, ओके? अब देखो ये कॉइल है, बरोबर है? ये कॉइल है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा, एक चीज़ मैंने छोटा सा बना के रखा हुआ है, बाद में एकदम क्लियरली बता दूँगा। तो ये कॉइल है और एक्सिस से लाइन पास हो और पॉइंट इधर किधर है, बरोबर है? अब ये कॉइल कैसा करंट कैरिंग कॉइल है तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा, हर जगह बनाएगा, बरोबर है? तो ये कॉइल की वजह से ये पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा मुझे वो निकाल के दिखाना, क्लियर है? ओके, तो देखो अगर इसको मैं ऐसे यहाँ से कट कर दूँ तो ये और स्ट्रेट कर दूँगा तो पूरा लेंथ मिल जाएगा ना, बरोबर है? कॉइल मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, बरोबर? तो अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा कॉइल है, पूरे कॉइल की वजह से अगर कोई भी पॉइंट एक्सिस पे रहेगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड है मुझे वो निकालना है। फिर से बोलता हूँ, मैं स्टेटमेंट को मैं रिपीट करता हूँ, पूरे कॉइल की वजह से पूरा कॉइल का लेंथ
पूरे कॉइल का लेंथ कितना है? एल है। पूरे कॉइल का लेंथ एल है, उसकी वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो होगा और वो मुझे निकालना है, और वो मुझे निकालना है समझो वो है बी करके। लेकिन मुझे क्या मालूम है पूरे लेंथ की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, पूरे लेंथ की वजह से, ठीक है ना, ये पूरा लेंथ की वजह से पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे बी ओ सावर्स का मालूम है। बी ओ सावर्स किसके लिए वैलिड है? छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट कहीं पर भी ले सकता हूँ, यहाँ 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 भी ले सकता हूँ। तो समझो मैंने छोटा सा एलिमेंट यहाँ ले लिया, ये छोटा सा, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल। तो छोटे से डीएल, छोटा सा लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पे कितना होगा? छोटा सा होगा। और वो कहाँ पर होगा और कितना होगा? तो कहाँ पर होगा वो भी मैं बताता हूँ, कितना होगा तो वो कितना होगा, और इसके अंदर करंट कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो मैं ऐसा बना देता हूँ, और ये देखो ये करंट ऐसा, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसा, क्लियर है? ओके नाउ, तो ये करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसा, और इसके अंदर भी वही करंट जाएगा, समझे, वैल्यू है आई, तो इसके अंदर भी वही करंट जाएगा। तो पूरा लेंथ की वजह से पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन छोटे से लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे छोटा सा होगा और वो डी बी होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? अब उसमें आर क्या होता है? तो आर मैंने बोला है कि आर है ना जो तुम्हारा करंट कैरिंग लेंथ है, और जो पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये वो डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? देखो ऐसा आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ से ये सेंटर से कितना दूर है ये पॉइंट? तो सेंटर से कुछ इतना दूर है, और ये डिस्टेंस को मैंने बोल दिया ए करके। अच्छा, ये पॉइंट पी सेंटर से यहाँ से कितना दूर है? तो यहाँ से, ठीक है, तो देखो ये पॉइंट पी सेंटर से इतना दूर है, ठीक है, थोड़ा सीधा लाइन बना देता हूँ। ओके, और ये डिस्टेंस को मैंने एक्स बोला, लिख लिया है, बराबर है। अब देखो ये वाला ए और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ ये 90 है, ठीक है, और ये वाला एंगल किस किस के बीच में? तो ये वाला एंगल जो है ना, बराबर है, वो जो भी है जिसके भी बीच में, उसको मैंने बोला थीटा करके। और ये थीटा एंगल कितना है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अपने को समझना है, क्लियर है? तो देखो ये समझने के लिए मैंने छोटा सा एक बनाया हुआ है। ओके, तो ये दिख रहा है, देखो ये एक कॉइल है, देखो ये जो है ना, ये फिलहाल इसको मत देखो, ये जो मैंने यहाँ पर दबा के रखा है ना, फिलहाल इसको मत देखो, ये दिख रहा है, ये कॉइल है, देख रहा, ये ऐसा कॉइल है, बरोबर है। तो अगर इसको देखो मैं ऐसा घुमा देता हूँ तो दिख रहा है, देखो ये ऐसा दिखेगा, दिख रहा है सामने से, देखो ये सामने से देखो ऐसा दिख रहा है, ये कॉइल है, ठीक है। ये वाला लाइन कौन सा? ये वाला लाइन रेडियस है, ये पॉइंट सेंटर है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, ये देखो ये तीनों वायर जहाँ पर अभी, ये फिलहाल ये ऐसा है, ठीक है, इसको ऐसा रखना है मुझे, बट ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला इधर पे, ये वाला पॉइंट को मैंने क्या बोला? पी बोला, ठीक है। ये वाला पॉइंट पी है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले को क्या बोला? सेंटर बोला। और ये डिस्टेंस को मैंने क्या बोला? ए बोला। और देखो यहाँ से लेके ये वाला, देखो मेरा आइडियल मैंने किधर लिया? आइडियल मैंने ऊपर से, अगर देखोगे ना ऊपर से, तो देखो आइडियल मैंने इधर लिया, इधर पे, ये मेरा आइडियल है। और आइडियल से ये आइडियल मेरा ऊपर है, इधर पे है, ठीक है। और मेरा पॉइंट किधर है? पॉइंट मेरा ये क्या है, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, जो लटक रहा है वो, ठीक है। बट देखो यहाँ पर इधर पे ये मेरा पॉइंट पी है, तो देख रहा है ये मैंने यहाँ पर के ये तार मैंने कनेक्ट किया हुआ वायर, तो ये क्या, ये एक्चुअली आर है, ये क्या है, ये आर है। तो यहाँ पर देखो ना, ये देखो आइडियल इधर ऊपर है, ये आइडियल से देखो, और इधर पे देखो यहाँ पर ये मेरा पॉइंट पी है, आइडियल से ये देखो ये आर है। तो मुझे बताओ ये आइडियल, ये जो आइडियल इधर पे है, और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है, और ये डिस्टेंस जो आर है, मुझे बताओ आइडियल, ये आइडियल इधर पे है, और बताओ ये आर है, इसके बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में एंगल कितना है? तो देखो एक चीज़ समझो, ये देखो
इसको अगर ऐसा देखोगे तो दिख रहा है, बताओ। तो देखो ये, देखो ये एक प्लेन में है, बरोबर। देखो ये एक प्लेन में, आइडियल जो है ना वो एक ऐसे वर्टिकल प्लेन में, और आर कौन सा प्लेन में, आर देखो, आर ये वाली लाइन है, ये दिख रहा है, ये वाली, ये वाला जो तार है ना, ये वाला देखो, आर ऐसा है, आर ये वाला प्लेन में जो ऐसा फ्रंट प्लेन सामने दिख रहा है वो। तो देखो ये दोनों प्लेन देखो आपस में कितना एंगल बना रहे, ये प्लेन ऐसा है, ठीक है ऐसा, और आर कौन सा प्लेन में, आर ये वाला प्लेन में, समझ में आ रहा। तो दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ में कितना एंगल बना रहे, 90 डिग्री बना रहे। तो देखो आइडियल जो है ना, आइडियल, आइडियल ये वाले प्लेन के अंदर है, दिख रहा है, देखो इधर पे दिख रहा है, आइडियल देखो, आइडियल जो है ना, सर्कल को देखो, सर्कल देखो ये वाले प्लेन के अंदर है। तो आइडियल जो है ना, आइडियल इधर है, आइडियल इधर है, आइडियल ये प्लेन में है, और पॉइंट पी देखो, ये जो आर है ना, आर देखो ऐसा है, समझ में आ रहा, आर ये वाला प्लेन में ऐसा। तो दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ में कितना एंगल बना रहे, 90 डिग्री बना रहे, समझ में आ रहा है। तो आइडियल, आइडियल जो है वो ये वाले प्लेन में है, ठीक है, और आर जो है वो ये वाले प्लेन में। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री, ओके, ये समझ में आ रहा है। तो इधर पे देखो, समझ में आ रहा है डायग्राम। तो देखो ये कॉइल था ना, तो देखो ये वाला ना, ये कॉइल मैंने ऐसा रखा था, याद आ रहा है कि नहीं, ये कॉइल मेरा इधर था, बरोबर, कॉइल ऐसा था, और आइडियल मैंने इधर अज्यूम किया था, और ये यहाँ से पॉइंट पी इधर है। तो जो पॉइंट पी आर है ना, आर, आर देखो ये वाले प्लेन के अंदर, समझ में आ रहा है, और कॉइल ऐसा, क्लियर है। तो दोनों के दोनों दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। जैसे अगर मैं पूछूँ है ना, जैसे कि ये दो वॉल्स हैं, ये वाला एक वॉल है, बरोबर है, और एक ये वाला एक वॉल है, ऐसा, बरोबर। तो देखो एक मैंने लाइन ऐसा बना दी, बरोबर, और एक लाइन मैंने इधर बना दी। ये दोनों दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना रहेगा, तो जितना जितना ये एंगल है ना, जितना एंगल है दोनों वॉल के बीच में, उतना ही एंगल रहेगा, बरोबर है, अंडरस्टूड, ओके। तो ये एंगल, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे बोलना। तो ये एंगल जो है वो कितना रहेगा, थीटा, ये एंगल कितना रहेगा, थीटा, सॉरी एंगल थीटा रहेगा, और थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया। तो छोटा सा लेंथ की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा होगा, और वो कितना होगा, और वो होगा dB, और वो होगा dB इज इक्वल टू μ0 IdL अपॉन 4π और ये r², क्लियर है, ओके। आगे देखो, लेकिन कहाँ होगा, अब ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि ये जो है आइडियल वो कहाँ होगा। तो देखो फिर से अगर इसको समझना, तो देखो कॉल इधर है और करंट ऐसा जा रहा है ना, करंट है ना, करंट ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा, ऐसा करंट ऐसा आ रहा है बाहर की तरफ, ऐसा, बराबर है। और यहाँ से वो लाइन गया ना, देखो ये कॉल ऐसा, और यहाँ पर वो पॉइंट है, ठीक है, और मैंने आइडियल इधर लिया ना, आइडियल ऊपर है मेरा, इधर पे आइडियल है, और आइडियल की तरफ करंट कैसा जा रहा है, बाहर की तरफ ना, ऐसा। तो देखो करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो थंब को वहाँ रखूँगा, बाद में मेरा पॉइंट भी किधर है, इधर पे ना, ऐसा है। और बाद में फिंगर्स को मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री से बेंड कर दूँगा, ऐसा, समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। देखो ना ये कॉइल है, ऐसा एक कॉइल इधर है, ऐसा, और करंट यहाँ से ऐसा आ रहा है बाहर की तरफ, तो मेरा आइडियल ऊपर, तो ऐसा बाहर ले लो, बरोबर, और ये ऐसा है ना, ऐसा, ठीक है, और पॉइंट भी यहाँ पर है। तो देखो ना ये डिस्टेंस जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो देखो थंब को मैं कहाँ रखूँगा, जहाँ पर करंट है, बट मेरा पॉइंट किधर है, हॉरिजॉन्टल के बीच है ना, तो ऐसा रखूँगा, और फिर फिंगर्स को 90 डिग्री से बैठ, तो 90 डिग्री कैसा आएगा, मतलब पॉइंट पी पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, ठीक है ना, ऐसा बाहर की तरफ, ऐसा, और बाद में फिर ऐसा, मतलब जो आर है ना उसको परपेंडिकुलर बनाने जाऊँगा, तो कुछ ऐसा आएगा, क्लियर है। और ये कितना देगा, dB लेगा, जिसकी वैल्यू इतनी रहेगी, क्लियर है एकदम। और ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, क्यों, क्योंकि फिंगर्स को मैंने 90 डिग्री से बेंड किया, ओके, अंडरस्टूड। ये देखो ये कॉइल है, बराबर है, तो देखो ये कॉइल है, उसमें देखो ये क्या है, ये वाला x हो गया, ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस r है, ठीक है, यहाँ पर मैंने dL अज्यूम किया था, ठीक है, बरोबर है। अब देखो इसकी वजह से मैं ये बीच का जो लाइन दिख रहा है ना, वो क्या है, वो dB है, और dB को रिजॉल्व करूँगा, तो ये देखो ये एक कंपोनेंट किधर आ गया, dB
ये वाला एक कंपोनेंट डी बी साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट डी बी कॉस थीटा, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर ये आइडियल है और आइडियल की वजह से करंट ऐसा बाहर आ रहा है, बरोबर ऐसा है ना, क्योंकि करंट बाहर आ रहा है और ऐसा है, और तो यहाँ पर डी बी, डी बी यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड डी बी। अगर मैं पॉइंट पी को ओरिजिन समझ लेता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, ऐसा कुछ। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, डायग्राम शुरू हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स भी बना देता हूँ, अगर मैं बोलूँ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं बोलूँ ये एंगल अल्फा है, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फा होगा, दिख रहा है? ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा, ओके, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर आपने ये वाला एंगल लिया और ये वाला एंगल कर दिया, उससे चाहे ये एंगल थीटा ले लो ना, ये एंगल थीटा है, देखो ना सर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, लेकिन सर ये एंगल थीटा तो 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 हो गया, बट ये 90 कैसा हो रहा है, ये 90 इधर कैसा हो रहा है, ये तो 90 नहीं है। तो देखो एक चीज़ समझो, ये जो थीटा है ना, ये थीटा दो प्लेन के बीच का एंगल है, समझ में आ रहा है? और ये डायग्राम जो मैंने बोला ना, ये डायग्राम एक ही प्लेन के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर सब थीटा है, कुछ समझ में आ रहा है? देखो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर, ये जो थीटा है, ये थीटा मैंने क्या बोला था, ये थीटा मैंने बोला था दो प्लेन के बीच में, क्यों दो प्लेन के बीच में, देखो मेरा कॉइल जो है ना, मेरा कॉइल इधर है ऐसा, कॉइल मेरा इधर है इधर ऐसा, ठीक है ना, और मेरा जो आर है ना, आर देखो ये मेरा कॉइल है ऐसा इधर पे, तो आइडियल मैंने इधर अज्यूम किया इधर पे, समझ में आ रहा है? ये मेरा कॉइल है ना ऐसा ऐसा, ये मेरा कॉइल ऐसा, तो आइडियल इधर है और सेंटर से लाइन पास हो रहा है, सेंटर से लाइन पास हो रहा है पॉइंट पे, और ये आर है, आर ये प्लेन में, आर ऐसा प्लेन में है, और ये देखो ये दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, बरोबर है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है? तो मैं आइडियल या आइडियल कहाँ पर भी मैं बना दूँ, यहाँ पर इधर 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 इधर, और यहाँ पर आर ऐसा बना हुआ, ऐसा बना हुआ, ऐसा बना हुआ, कैसा बना, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ही रहने वाला है, क्यों रहने वाला है, क्योंकि दोनों जो प्लेन्स है ना एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री पे, क्लियर है? तो ये थीटा जो है ना वो दोनों प्लेन के बीच में एंगल है, एक प्लेन के अंदर आइडियल और एक प्लेन के अंदर आर है, और दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ में ये है, तो गलती से भी ये थीटा बोल के ये थीटा मत कर देना, क्लियर है? ये यहाँ पर दोनों प्लेन जो है अलग अलग है, यहाँ पर ये एक ही प्लेन के अंदर थीटा है, समझ में आ रहा है? ओके, अब बात करते हैं दूसरा, तो मुझे बताओ ये डी बी ऐसा है, अगर मैं पॉइंट पी को ओरिजिन समझ लूँ तो उसके हिसाब से ये वाला डी बी क्या है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, और वेक्टर क्या है, देखो ये इंक्लाइंड वेक्टर है, और वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, कभी भी अगर तुम्हारे पास इंक्लाइंड वेक्टर होता है तो क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, रिजॉल्व करूँगा, एक कंपोनेंट जो आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट जो आएगा वो इधर आएगा, क्लियर? ये वाला कंपोनेंट को मैं क्या बोलूँगा, डी बी साइन ऑफ अल्फा, और ये वाले कंपोनेंट को मैं क्या बोलूँगा, डी बी कॉस ऑफ अल्फा, क्लियर है कि नहीं? जो एडजेसेंट होता है, बराबर है, वो उसके 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 साथ में कॉस आता है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ओके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बराबर है। अच्छा, वो अगर मैं तुमको डाय वो है ना, तो ये क्लियर हो गया, ये पूरा जो कॉइल है, छोटा सा करंट क्या रिंग लेंथ की वजह से कितना था, मैग्नेट फील्ड डी बी था और वो ऐसा था, ये क्लियर हुआ? अब मैंने क्या कर दिया, डी बी को रिजॉल्व कर दिया, एक ऐसे और एक ऐसे, तो अब तुम लोग डी बी को मत देखना, अभी भले डी बी इधर है, अगर मैंने डी बी को जब तक रिजॉल्व ही नहीं किया था और मैं पूछता आइडियल की जैसे मैग्नेट फील्ड कितना है, तो तुम क्या बोलते, आइडियल की जैसे मैग्नेट फील्ड से डी बी है और वो इतना है और वो इधर है, समझ में आ रहा है? लेकिन एक बार मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया, अब इसको नहीं देखने, अब अगर रिजॉल्व करने के बाद अगर मैं पूछूँ डी एल के जैसे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, सर डी बी कॉस अल्फा अलॉन्ग वाई एक्सिस और डी बी साइन अल्फा अलॉन्ग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, वेरी गुड, अब आगे देखते हैं। तो आगे ऐसा है कि अगर मैं छोटा सा आइडियल यहाँ पर ले लेता हूँ, समझो, ठीक है, इसके अंदर करंट ऐसा और ऐसा जा रहा है, अब ऐसा मतलब कैसे जा रहा है, तो इधर देखो कॉइल ऐसा है, देखो कॉइल ऐसा है,
कॉइल ऐसा है, ठीक है। और आइडियल जो मैंने पहले इधर लिया था, करंट ऐसे बाहर की तरफ जाए, फिर यही करंट ऐसा जाके अंदर जा रहा है ना, अंदर मतलब यहाँ पर करंट अंदर जा रहा है, अंदर बरोबर, ऐसा ये समझ में आ रहा है, करंट जो है वो अंदर जा रहा है, ठीक है, ऐसा कॉइल ना देखो ऐसा। तो पहले करंट बाहर की तरफ आ रहा था, तब बाहर रखा था, फिर यही करंट यहाँ से निकल के अंदर जा रहा है, ठीक है। और पॉइंट भी इधर है, तो देखो मुझे बताओ अगर ये करंट अंदर जा रहा है और पॉइंट भी मेरा किधर है, तो ऐसा है ना, ऐसा ये कॉइल है, और देखो ये पॉइंट भी इधर है, तो देखो ये अगर ऐसा जा रहा है, थंब इधर रखूँगा, फिंगर्स को ऐसा रखूँगा, ऐसा बरोबर, और ये मेरा आर हो जाएगा बरोबर, और फिंगर्स को मैं 90 डिग्री से बेंड करूँगा, तो ये ऐसा जाएगा। बोलने का मतलब है कि अगर इसकी वजह से ये आर है और ये डी भी है, तो बताओ इसकी वजह से अगर इसको भी मैं जोड़ दूँगा यहाँ से, ठीक है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, और ये वाले डीएल की वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, इसके से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, वो इधर क्या आएगा, डीवी। क्लियर हुआ, समझो ये चीज़। देखो ऐसा कॉइल था ना, करंट बाहर आ रहा था फिर यहाँ से अंदर जा रहा था, तो देखो ये करंट अंदर गया और मेरा पॉइंट स्ट्रेट थोड़ी है, पॉइंट ऐसा है ना इंक्लाइंड, देखो ऐसा नहीं ऐसा है, तो देखो ऐसा, और फिंगर्स को 90 डिग्री से बेंड किया ऐसा, तो देखो ये डीवी ऐसा गया। अगर ये एंगल सिमेट्री से, अगर तुम बोलोगे सिमेट्री से ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा ही होगा, और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। तो मुझे बताओ ये कंपोनेंट क्या आएगा इसका, डी वी साइन अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, डी वी कॉस अल्फा। समझ में आ रहा है, मतलब ये वाले डी एल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पे किधर आ रहा है, डी वी किधर आ रहा है, रिजॉल्व नहीं किया था तब, अब अगर मैंने जब इसको रिजॉल्व कर दिया अलॉन्ग एक्स और अलॉन्ग एक्स और अलॉन्ग वाई, तो मुझे बताओ अब आइडियल, ये वाले आइडियल की वजह से, ये वाला आइडियल क्या, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट में है, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डी वी कॉस अल्फा, डी वी साइन अल्फा, इसके से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डी वी साइन, डी वी कॉस अल्फा, डी वी साइन अल्फा। अब इसको ले लो, डी वी कॉस अल्फा पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे चार फील्ड आ रहा है, डी वी कॉस अल्फा, डी वी कॉस अल्फा, डी वी साइन अल्फा, डी वी साइन अल्फा, ये डी वी कॉस अल्फा और ये डी वी कॉस अल्फा दोनों इक्वल है और दोनों अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन पॉइंट पी पे ये दोनों आइडियल की वजह से ये डी वी साइन अल्फा और ये डी वी साइन अल्फा ऐसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है, अगर मैं एक आइडियल यहाँ पर अज्यूम करता हूँ सबको, तो इसकी वजह से भी क्या आएगा, दो कंपोनेंट आएंगे, डी वी साइन अल्फा और डी वी कॉस अल्फा। लेकिन अगर इसके सामने अगर मैं एक डायमेट्रिकली अपोजिट अगर मैं आइडियल लेता हूँ, तो इसका भी कॉस कंपोनेंट होगा, इसका भी साइन कंपोनेंट होगा। जैसे इधर पे इसका कॉस कंपोनेंट ने इसके कॉस कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया, वैसे ही इसका अगर मैं आइडियल एक आइडियल यहाँ लेता हूँ, तो इसका कॉस कंपोनेंट इसके कॉस कंपोनेंट का कैंसिल कर देगा, बट इन दोनों का साइन कंपोनेंट ऐसा ही रहेगा, मतलब इन दोनों की वजह से भी दो डी वी साइन अल्फा आएगा। अगर एक मैं आइडियल यहाँ पर लेता हूँ और दूसरा आइडियल मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो इनकी वजह से भी क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा। इसका कॉस कंपोनेंट इसके कॉस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, लेकिन इन दोनों का साइन कंपोनेंट रहेगा और वो सेम डायरेक्शन में रहेगा। मतलब मैं ऐसा बोलूँगा, ये जितने भी ये कॉइल में जितने भी छोटे छोटे आइडियल होंगे, उन सब की वजह से दो कंपोनेंट होंगे, कॉस और साइन, ठीक है ना। और हर एक आइडियल का जो डायमेट्रिकली अपोजिट आइडियल होगा, वो उसके कॉस कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, बट साइन कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। बोलने का मतलब ऐसा है कि जितने भी आइडियल होंगे, उन सब की वजह से पॉइंट पी पे क्या रहेगा, डी वी साइन अल्फा का इनका साइन कंपोनेंट रहेगा। मतलब ये वाले आइडियल की वजह से डी वी साइन अल्फा रहेगा, ये वाले आइडियल की वजह से डी वी साइन अल्फा रहेगा, ये वाले आइडियल की वजह से डी वी साइन अल्फा रहेगा, ये वाले आइडियल की डी वी साइन अल्फा रहेगा। समझ में आ रहा है, इसके वजह से डी वी साइन अल्फा, इसके वजह से डी वी साइन अल्फा। तो जितने भी डी वी साइन अल्फा आएंगे, डी वी साइन अल्फा, उन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। जितने भी आइडियल आएंगे बरूबर, सबका कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। कौन कैंसिल करेगा, जैसे ये वाला आइडियल का जो कॉस कंपोनेंट कैंसिल करेगा, ये आइडियल का कॉस कंपोनेंट इसके कॉस कंपोनेंट कैंसिल करेगा, बट साइन कैंसिल नहीं होगा, सबका साइन कंपोनेंट रहेगा। समझ में आ रहा है। तो पॉइंट पी पे जितने भी डी वी साइन अल्फा वाले कंपोनेंट रहेंगे, ये सब आइडियल की वजह से, सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल बी मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ से बस यहाँ तक ही थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था, यहाँ से डी वी की वैल्यू कितनी थोड़ी हुई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ,
B is equal to mu naught upon 4 pi और sin alpha. देखो sin alpha निकालने के लिए मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, दिख रहा है ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के अंदर मुझे बताओ sin alpha आंसर क्या है. sin alpha, sin alpha क्या रहेगा, ऑपोजिट अपॉन, ऑपोजिट क्या है रेडियस, और हाइट ये क्या है r, बरोबर है, क्लियर. और मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो मुझे बताओ r क्या रहेगा, आर क्या रहेगा इसके अंदर, आर रहेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है. तो आर क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ, क्लियर है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी बी, डी बी क्या म्यू नॉट फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. तो मैं लिखता हूँ आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या है ए अपॉन आर, ए अपॉन आर, और आर क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ, ये क्लियर है. देखो यहाँ पर पावर वन है, यहाँ पर हाफ है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये हो गया आई डी एल, और यहाँ पर ये ए बच गया, और नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू थ्री बाई टू, क्लियर है. अब जो जो कंपोनेंट कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं. तो यहाँ से कांस्टेंट कौन सा है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई कांस्टेंट है, जब तक मैं बैटरी चेंज नहीं करूँगा करंट भी चेंज नहीं होगा. ए क्या है, ए रेडियस है ना, ए क्या है रेडियस, और रेडियस कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो गया, बराबर है, अंडरस्टूड. रेडियस क्या है, रेडियस कांस्टेंट है. एक्स क्या है, एक्स जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का वो भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. तो सबका सब पूरा का पूरा टर्म बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर देखो मैं लिखता हूँ इसको फिर से म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई ए, आई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू थ्री बाई टू, और ये डी एल, समझ में आ रहा है. अब मैं जितने भी डी एल है, एक डी एल बोलते ये वाला डी एल, फिर दूसरा डी एल, फिर तीसरा डी एल, फिर चौथा डी एल, ऐसे जितने भी डी एल आएंगे सब डी एल को अगर मैं ऐड कर दूँ, सबके सब डी एल को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, सरकमफेरेंस मिल जाएगा. और सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा टू पाई ए, रेडियस है टू पाई आर, और आर कितना है ए है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी म्यू नॉट आई, म्यू नॉट म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एच टू थ्री आर टू इंटू टू पाई ए, क्लियर है. क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखो ये टू पाई से कैंसिल हो गया, टू से यहाँ पर क्या बच गया म्यू नॉट अपॉन टू आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू थ्री बाई टू, ये क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, समझा, क्लियर है. अब एक चीज बराबर, अब इसके अंदर स्पेशल केस समझ लो, इसका स्पेशल केस क्या होगा, स्पेशल केस ये होगा कि स्पेशल केस अगर मैं बोलूँ यहाँ पर दो स्पेशल केस बनेंगे, ठीक है, ये इतना समझा पहले, क्लियर, क्योंकि मुझे स्पेशल केस के लिए जगह लगेगा तो ये इरेज कर दूँ.